क्या मेरे पास भी एक गुप्त प्लान है? क्या मैं भी अपने कान आंख बंद कर देता हूं अच्छी बातों को सुनने के लिए? क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे संत योहन के अध्याय 7 से पद संख्या 40 से 53 तक। ये पवित्र वचन बहुत सुंदर है और यदि पवित्र वचनों का मनन चिंतन किया जाए तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारा जीवन बदल जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पवित्र वचन में बताया गया है, शास्त्री और फरीसी लोगों ने कुछ लोगों को चुनकर प्रभु यीशु क्रिस्त को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। दबाव में आके हम बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन इस पवित्र वचन में बताया गया है कि शास्त्री और फरीसी लोगों ने जिन्हें भेजा था उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त की आवाज को सुना, उसके मतलब को जाना और उनको बहुत अच्छा लगा, एक बहुत ही दिव्य कृपा का अनुभव हुआ और इसीलिए उन्होंने सुनने के पश्चात, उसके मतलब को समझने के पश्चात उन लोगों को जाके बताया कि आज तक हमने कभी भी अपने जीवन में ऐसी बातों को नहीं सुना। पर देखिए उन लोगों ने, जिन लोगों ने प्रभु यीशु क्रिस्त को गिरफ्तार करने को भेजा था, वे उन लोगों से बहस करते हैं और बहस करके क्या बोलते हैं, क्या तुम लोगों का मन भी तो परिवर्तन नहीं हो गया? देखिए, पहली बात तो उन लोगों ने प्रभु यीशु क्रिस्त को सुना नहीं, उनका एक ही एजेंडा है कि यीशु को गिरफ्तार करने का, और वो जो दिव्य कृपा, वो जो बता रहे हैं जिन्होंने अनुभव किया है, उसको सुनना नहीं चाहते और उल्टा ये बोलते हैं क्या तुम लोगों का मन भी तो परिवर्तन नहीं हो गया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे दैनिक जीवन का एजेंडा क्या है? क्या मेरे पास भी एक गुप्त प्लान है? क्या मैं भी अपने कान आंख बंद कर देता हूं अच्छी बातों को सुनने के लिए? जब मैं इन वाक्यों पर चिंतन कर रहा था तो सोच रहा था कि मेरे दैनिक जीवन में भी ऐसी कई अद्भुत बातों को बताया जाता है छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा और बड़े बुजुर्गों के द्वारा, परंतु क्या मैं वही सुनता हूं जो मुझे सुनना है? क्या मैं वही करता हूं जो मुझे करना है? यदि ऐसा करता हूं तो मैं कोई ना कोई बड़ी गलती कर रहा हूं। मुझे उन अद्भुत चीजों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि एक छोटा सा छोटा बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, यदि हमारा दिल, मन और आत्मा खुली हो तो। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस चालीसे काल में हम अपने दिमाग को खोलें, हमारे कानों को खोलें, हमारी आंखों को खोलें और देखें उस अद्भुत चीजों को जो ईश्वर हमें दिखाना चाहता है, जो ईश्वर हमें सुनाना चाहता है, जो ईश्वर हमें अनुभव कराना चाहता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम ईश्वर योजना के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। आइए अपने अक्खड़पन को छोड़ें और अपने आप को तैयार रखें ताकि हम भी अनुभव करें कि हमने भी कभी भी ऐसी अद्भुत चीजें नहीं सुनी है।